हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार. मैं बबीता त्यागी आईसीएस कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम आप सबसे ऊपर देख पा रहे होंगे, आईसीएस कोचिंग सेंटर ऑफिशियल पर आप सभी का स्वागत है. और परसों हम लोगों ने क्लास ली थी, जिसमें मैंने आप लोगों को हिस्ट्री का एक टॉपिक शुरू कराया था, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सिविलाइजेशन. और एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का काम मैंने पहली क्लास में किया था. आज उसी से जुड़े कुछ खास से इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो एग्जाम्स में आते हैं, उनको मैंने पहले से बोर्ड पे लिख लिया है. आज इन सब के बारे में जानते हैं. आप इन चीज़ों को सुन के जब किताब का यूज करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत इजीली याद हो जाएंगी. देखिए, मैंने सबसे ऊपर लिखा है, यहाँ मैंने साइड में आप देख पा रहे होंगे, 8 इम्पॉर्टेंट स्थल. वैसे तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपके सामने बताया था कि इंडिया में, पाकिस्तान उस टाइम हमारा ही हिस्सा था, पहले ऐसे स्थल हड़प्पा की जो खोज हुई थी वो 1921 में हुई थी. फिर लगातार में खोज करते चले गए और 1947 यानी आजादी के टाइम तक लगभग लगभग 40 के आसपास ये स्थल हमने खोज लिए थे. और आज की अगर मैं बात करूं, जिस भारत में हम बैठे हैं, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन तीन देशों में मिलाकर लगभग 1400-1500 साइट्स हैं जो इन्हीं हड़प्पा संस्कृति की, इसी सभ्यता की कहीं ना कहीं चीजों से जुड़ी गई हैं. देखिए, सबसे पहले मैंने लिखा है हड़प्पा. हड़प्पा की खोज की थी D.R. साहनी ने. आप समझ ही गए होंगे, दयाराम साहनी वो इंडियन है, वो भारतीय है, जिसने मेन काम किया था हड़प्पा सभ्यता को खोजने में. पहले स्थल की जिसने खोज की वो है D.R. साहनी या दयाराम साहनी, 1921 में. और जॉन मार्शल, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में मेंशन भी किया था, उस टाइम पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष थे. वो हर जगह जाके खुद काम नहीं कर सकते थे, तो इंडियन मेन काम कर रहा था. जो हड़प्पा की साइट थी पाकिस्तान वाले हिस्से में, इन्हीं का नाम था D.R. साहनी और दयाराम साहनी. ये हड़प्पा की जो खोज की गई, ये रावी नदी के बाएं किनारे पर है. ध्यान से सुनिएगा, रावी नदी के बाएं किनारे पर. एग्जाम में आएगा ये, क्योंकि कोई दाएं किनारे पर है, कोई बाएं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन दो तीन के बारे में पता होना बहुत जरूरी है. तो आप सबसे पहला देख पा रहे हैं, हड़प्पा दयाराम साहनी ने 1921 में स्थल खोजा. ये रावी नदी के बाएं किनारे पर है. और इसकी कुछ खासियत मैंने साइड में लिखी है. हो सकता है बोर्ड पे आपको उतनी क्लैरिटी ना हो, आप किताब का यूज कीजिएगा. सिर्फ सुन भी लेंगे तो ये चीजें आपको याद हो जाएंगी. किताब से पढ़ने पर ये टॉपिक 100% तैयार मिलेगा. मैंने हड़प्पा के साइड में लिखा है, यहाँ खास क्या मिला, एक सींग या एक श्रृंगी पशु यहाँ पर मिला. एक ऐसा पशु जिसको ये लोग उस टाइम में पूछते थे, जिसकी बहुत इंपॉर्टेंस थी. और उस पशु की खासियत थी कि उसका सिर्फ एक सींग था. अगर आपने ऋतिक रोशन की पीछे एक मूवी आई थी मोहन जोदाड़ो करके, अगर वो आपने देखी होगी तो ऋतिक रोशन को सपने में भी वो एक श्रृंगी पशु ही दिखाई देता था. वही है ये एक श्रृंगी पशु. इसके साक्ष्य हमें मिले हैं हड़प्पा से. नेक्स्ट मैंने लिखा है अन्नागार, जहाँ पे ये लोग सरप्लस, इनका जो भी गेहूं रहा होगा, जौ रहा होगा, जो भी इनके खाद्यान्न थे, ये उसको सेफ रखते थे कि अगर आने वाले कुछ महीनों में, कुछ सालों में इन केस बारिश कम हो, ज्यादा हो, तो अपनी सेफ्टी के लिए ये लोग बहुत बड़े बड़े अन्नागार बनाते थे, जिसमें अन्नागार का जिक्र मैंने किया है हड़प्पा में. ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहां मिला, बाकी जगह भी मिला, लेकिन वहां कुछ खास था, काफी बड़ा था, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में. नेक्स्ट मैंने लिखा है कब्रिस्तान. कब्रिस्तान भी खासी जो जगह खोद के निकाली गई, जो स्थल मिला वो हड़प्पा में मेन था, फेमस था. इसके बाद अगला देखिए, लिखा है मोहनजोदड़ो, R.D. बनर्जी. अगर आप ध्यान देंगे तो पहले का नाम है D.R. और दूसरे का नाम है R.D. नाम अलग अलग हैं, लेकिन दोनों को शॉर्ट में, निकनेम में लिखें तो ऐसे लिखा जाएगा. ये है राखल दास बनर्जी, वो थे दयाराम साहनी. पहले दयाराम है, फिर राखल दास है. 1922, उससे अगले ही साल, सेम हड़प्पा जैसा स्थल उभर कर आया, जिसको नाम दिया गया मोहनजोदड़ो, मृतकों का टीला. बहुत इंपॉर्टेंट है, और शायद उस टाइम में ये राजधानी रही होगी, ऐसी कल्पना की जा सकती है. हमें लिखित में जो साक्ष्य मिले हम पढ़ तो नहीं पाए, क्योंकि ये आद्य ऐतिहासिक काल है, लिपि है, इनका साहित्य है, पर हम जान नहीं पाए कि उसमें लिखा क्या है. एक आइडिया लगाया गया है कि शायद ये राजधानी रही होगी और ये सिंधु नदी के दाएं किनारे पर खोदा गया. इसकी जो जो स्थल हमें मिला वो सिंधु नदी के दाएं किनारे पर. अभी ऊपर देखिए मैंने क्या बताया था, रावी नदी के बाएं मतलब लेफ्ट साइड में, और ये मिला है सिंधु के दाएं यानी राइट साइड में. यहाँ क्या क्या खास मिला, बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने लास्ट वीडियो में भी जिक्र किया था शायद, पशुपतिनाथ शिव का.
एक ऐसी मोहर यहाँ मिली है, उस मोहर पर 6 जानवर दिखाए गए हैं, उन 6 में प्रजाति हैं 5 की। उसके एक साइड में चीता और हाथी बने हुए हैं, उसके एक तरफ बने हुए हैं गैंडा और भैंसा, और वो जो भगवान उनके हैं जिसकी वो शायद पूजा करते रहे होंगे, उनके ठीक सामने पैरों की तरफ बैठे हुए हैं 2 हिरण। उसका हमें नहीं पता क्या नाम था, हमने सिर्फ वैसे ही पशु क्योंकि बने हुए हैं तो हमने नाम दे दिया कि शायद ये पशुपति नाथ रहे होंगे। और क्योंकि उस उनके उनके जो भगवान थे उनके साइड में सर के पास एक त्रिशूल जैसी आकृति हमें महसूस हुई तो हमने नाम रख दिया कि शायद ये शिव रहे होंगे। उस टाइम भी भगवान शिव की पूजा की जाती रही होगी तो हमने नाम दिया है पशुपति नाथ शिव। अब ये अगर पूछे कि पशुपति नाथ शिव की मोहर कहाँ मिली तो आपको टिक करके आना है मोहन जोदड़ो, जिसकी खोज की थी RD राखल दास बनर्जी ने। पहले वाला क्या है, दया राम साहनी, वो DR है, ये RD है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर क्या मिला, एक कांसे कांसे से निर्मित एक नर्तकी की छोटी सी मूर्ति मिली है। कांसे की ये मूर्ति जो नर्तकी की है, ऐसा अंदाजा है कि शायद ये यहाँ नहीं बनी थी, शायद ये कहीं बाहर से यहाँ पर लाई गई। तो अगर एग्जाम में आ जाए कि कांसे की मूर्ति कहाँ मिली है, किस स्थल पर, तो आपको टिक करके आना है मोहन जोदड़ो में, जो सिंधु नदी के दाएं किनारे पर है। इसके अलावा बहुत ही बड़ा स्नानागार और अन्नागार यहाँ पर मिले हैं। और लास्ट वीडियो अगर आपने देखी होगी, मैंने उसमें स्नानागार का जिक्र किया था कि ये उस टाइम की सिंधु सभ्यता की सबसे बड़े आश्चर्य, जैसे आज हम कहते हैं ना अजूबे हैं 7 जिनमें हमारा ताजमहल है, ऐसे ही हड़प्पा काल के अजूबे में गिना जाता था, उस टाइम का अजूबा था, आश्चर्य था यहाँ का स्नानागार। और स्नानागार अगर आपको याद हो, एक ऐसी जगह थी जहाँ उत्तर और दक्षिण दिशा में सीढ़ियाँ उतरती थी और बीच में बहुत बड़ा स्नानागार था, जैसे आज के टाइम में हम स्विमिंग पूल टाइप मान लें, और वहाँ से पानी निकालने का भी बेहतरीन प्रबंध था। और वो पानी निकालने का जो डायरेक्शन थी, कभी कभी एग्जाम में देखी गई है, वो अगर पूछे कि किस दिशा में जल निकासी थी तो टिक करके आना है दक्षिण पश्चिम दिशा में। आप लास्ट वीडियो देखेंगे, मैंने उसमें ड्रॉ करके शायद बताया भी था कि कैसे सीढ़ियां उत्तर और दक्षिण में निकलती थी, उतरती थी नीचे पानी की तरफ, और कैसे दक्षिण पश्चिम दिशा में यहां से जल निकासी का प्रबंध था। तो बहुत बड़ा स्नानाकार, उस टाइम का आश्चर्य, ये मिला है राजधानी जो शायद रही होगी मोहनजोदड़ो में। अन्नागार आप देख सकते हैं हड़प्पा में भी लिखा हुआ है, और मोहनजोदड़ो, ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट साइट्स में गिने जाते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो वो खासियत पूछेंगे, बाकी हर चीज हर जगह मिली है, लेकिन जैसे कहेंगे कि कांसे की नर्तकी की मूर्ति, तो आपको टिक करके आना है मोहनजोदड़ो। ये इस तरह की कुछ खास बातें आपको याद रखनी है। कब्रिस्तान अगर एग्जाम में आता है तो आपको टिक करके आना है हड़प्पा, ठीक है। तीसरे पर आते हैं चहुंदड़ो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, मैंने लास्ट वीडियो में भी इसका जिक्र किया था। चहुंदड़ो की खासियत है, यहाँ मनके बनाने की फैक्ट्री, वर्कशॉप या कार्यशाला मिली है, और इसके अलावा यहाँ लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं। देखिए उस टाइम में भी ब्यूटी पार्लर नाम की जगह हुआ करती थी, और उसके साक्ष्य मिले हैं हमें चहुंदड़ो में। चहुंदड़ो की खोज की है NG मजूमदार ने। चहुंदड़ो पाकिस्तान का इलाका पड़ेगा, मजूमदार ने इसको खोजा, और ये सिंधु नदी के पास पड़ता है, सिंध इलाके में, पाकिस्तान के में। मैंने लिखा हुआ है मनके, मनके आप समझ गए होंगे, मनके गोल गोल मोती टाइप के होते हैं, और मनके कई बहुत कीमती पत्थरों के मनके पाए गए हैं। जो गरीब लोग थे वो क्योंकि महंगी चीजें अफोर्ड नहीं कर पाते होंगे, इसलिए मिट्टी को भी आग में पकाकर मिट्टी के भी मनके बना लिए जाते थे। तो मनके भी अलग अलग तरह के थे, कुछ कीमती पत्थरों के मनके थे, मनकों की कार्यशाला थी, फैक्ट्री थी, और इसके अलावा मिट्टी के मनके भी थे। तो जैसे ही मनके दिखाई दे, और पार्लर मैंने लिखा है, पार्लर को हिंदी में कहेंगे सौंदर्य प्रसाधन सामग्री, एग्जाम में अगर आया तो पार्लर नहीं आएगा, ये सिर्फ आपके याद करने के लिए है ताकि इजीली याद रह जाए। तो मोती, ये मनकों की फैक्ट्री, कार्यशाला और प्रसाधन, सुंदरता के लिए सौंदर्य प्रसाधन सामग्री जो मिली है, जो चीजें मिली हैं, जिनमें लिपस्टिक है, काजल है, अंजन शालिका, ये मिली है चहुंदड़ो से। चहुंदड़ो की कुछ खास बातों में मैंने शायद लास्ट वीडियो में भी जिक्र किया था, चहुंदड़ो वो इलाका है हड़प्पा सिविलाइजेशन का जिसमें पश्चिमी और पूर्वी टीले में कोई भी सुरक्षा प्राचीर नहीं है, इसको फोर्टिफाइड नहीं किया गया, इस पूर्वी पश्चिमी इलाका कोई भी के लिए बाहर से दुर्गीकरण नहीं किया गया,
चहुंदड़ों में। पार्लर याद रखना, सौंदर्य प्रसाधन याद रखना, कोई भी इसका इलाका पश्चिमी पूर्वी टीला किसी के बाहर भी चार दीवारी नहीं बनाई गई चहुंदड़ों में। नेक्स्ट मैंने लिखा है कालीबंगा। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां। और ये घग्गर नदी के किनारे राजस्थान में कालीबंगा साइट पड़ेगी हमारे राजस्थान में। और यहाँ की खासियत है, यहाँ कुछ जुते हुए खेतों के प्रमाण मिले हैं, कुछ ऐसे प्रमाण मिले हैं कि पुराने कोई खेत थे जिनको शायद उस टाइम में जोता गया था। नेक्स्ट है पकी मिट्टी से यहाँ हल, एक हल मिला है छोटा सा जो पकी हुई मिट्टी से बनाया गया था। हरियाणा के बनावली में एक हल मिला जो खिलौने के रूप में है, जो मिट्टी से खिलौने के रूप में हल मिला, लेकिन यहाँ देखिएगा पकी मिट्टी के हल के साक्ष्य मिले हैं। हल ही मिला है यहाँ पर, कहाँ पर? कालीबंगा में, जिसका मतलब होता है काले रंग की चूड़ियां। नेक्स्ट मैंने लिखा है धान की भूसी और गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि गेहूं और जौ इनकी सबसे प्रमुख फसल थी। अगर इन दोनों में भी ऑप्शन ए और बी आ जाए तो जौ को पहली प्रायोरिटी से टिक कीजिएगा। चावल बहुत कम था और चावल मिला है लोथल में। अगर आपको याद हो लोथल, जिसके बारे में शायद मैंने बताया होगा कि लोथल इकलौती ऐसी जगह थी, इकलौता ऐसा साइट थी जहां घरों के दरवाजे गलियों में ना खुल के मेन सड़क पे खुला करते थे। यहाँ वापस आते हैं, गेहूं और धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं हमारे कालीबंगा में। नेक्स्ट मैंने लिखा है रंगपुर जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये कालीबंगा, एक सेकेंड यहां तक कर लीजिएगा, ये धान की भूसी इसमें है, रंगपुर में आएगा गेहूं और धान की भूसी, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकते हैं। यहाँ बड़े पैमाने पर मिले हर जगह है, लेकिन यहाँ बड़े पैमाने पर। रोपड़ आप देख पा रहे हैं, रोपड़ हमारे पंजाब का इलाका है और रोपड़ की इंपॉर्टेंस है पंजाब की सतलुज नदी, जो इंपॉर्टेंट रिवर है अपने इंडिया की, इसके किनारे थी ये सभ्यता के साक्ष्य। और यहाँ कुछ खास था, अलग थी दूसरों से, यहाँ इंसान के जो अस्थि कंकाल मिले ना, उसी के साथ में कुत्ते के भी अस्थि कंकाल मिले। तो यहाँ पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य भी मिले हैं, हर जगह नहीं, कहाँ मिले हैं? ये रोपड़ में मिले हैं, रोपड़ जो हमारे पंजाब में पड़ेगा। तो रोपड़ में मानव के साथ कुत्ते को साथ साथ दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। ये कुछ बहुत खास बातें हैं, वैसे तो हर जगह हर चीज मिली है, लेकिन ये कुछ बहुत ज्यादा खास हैं जो एग्जाम में आएंगे, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो रोपड़ में कुत्ते और मानव को साथ दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। अभी मैंने जिक्र किया बहुत बड़ा स्नानागार और अन्नागार, ये मिले थे, शायद उस टाइम की राजधानी रही होगी मोहनजोदड़ो। नर्तकी की कांसे से बनी मूर्ति भी वहीं मिली है। और चहुंदड़ो मैंने जिक्र किया, जहां मनको की कार्यशाला, वर्कशॉप या फैक्ट्री मिली है, वहीं पर सौंदर्य प्रसाद रहा करता था। गेहूं और धान की भूसी का भी जिक्र हुआ। नेक्स्ट देखिए लोथल लिखा है, लोथल आते ही दिमाग में चावल आना चाहिए। लोथल में पीछे ल है, यहाँ देख लीजिए, लोथल में पीछे ल है और चावल में भी पीछे ल है। लोथल से चावल के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा लोथल वो साइट है जहां पर बंदरगाह के प्रमाण भी मिले हैं, डॉकयार्ड, बंदरगाह। और लोथल ही वो जगह है, वो साइट है जहां पर घरों के दरवाजे गली में ना खुल के मुख्य सड़क पर खुला करते थे, बाकी सबके खुलते थे गली में, लेकिन लोथल साइट जो मिली है, यहाँ घरों के दरवाजे मुख्य सड़क पर खोले गए थे। उसका कोई लॉजिक हो सकता है, कोई कारण हो सकता है। लोथल में चावल जरूर याद रखना। लास्ट मैंने लिखा है बनावली। बनावली हरियाणा के हिसार में पड़ता था पहले, आज प्रेजेंट में अगर आप चेक करेंगे तो ये फतेहाबाद में है, लेकिन अगर नेशनल जीके में क्वेश्चन आता है तो वो आपसे डिस्ट्रिक्ट नहीं पूछेंगे, आपको सिर्फ टिक करना पड़ेगा हरियाणा। बनावली कहते हैं कि बहुत पिछड़ा था बाकी सबके मुकाबले, बहुत एडवांस्ड नहीं था, लेकिन इसमें खास मिला है, अभी मैंने जिक्र किया था, मिट्टी के से बना हल का खिलौना। ऊपर देखिए, यहाँ मैंने मेंशन किया था पकी मिट्टी से बना हुआ हल, ये पकी मिट्टी है, ये कच्ची मिट्टी का बना हुआ खिलौना है। और अगर आप सिक्स क्लास की एनसीईआरटी की किताब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे इस हल की पिक्चर भी दिखाई गई है। तो कच्ची मिट्टी वाला जो हल्का खिलौना है वो मिला है बनावली में। और जौ के साक्ष्य भी बड़े पैमाने पर मिले हैं हरियाणा के
नेशनल जीके के हिसाब से हिसार, लेकिन हरियाणा जो पढ़ते हैं उन्हें टिक करके आना है फतेहाबाद। अगर हरियाणा जीके में आए, नेशनल में आए तो हिसार ही फेमस है। ये सारी चीजें आप दो चार बार जब पढ़ेंगे, किताब का यूज करेंगे, तो ये समझ में आ जाएंगी। कुत्ते के साथ आदमी को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं रोपड़ में। लिपस्टिक का, काजल का और मनके बनाने की कार्यशाला ये मिली है चहुंदड़ों में। नर्तकी की कांसे की मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो में। बहुत बड़ा स्नानागार और अन्नागार ये हड़प्पा में भी मिला है, मोहनजोदड़ो में भी मिला है। स्नानागार आएगा तो टिक करके आइएगा मोहनजोदड़ो, अन्नागार दोनों में है। कब्रिस्तान पूछे तो हड़प्पा टिक कीजिएगा। ये कुछ खास है जो आपको जरूर याद करने हैं। दूसरी तरफ देखिए, मैंने लिखा हुआ है ऊपर ये क्या क्या बाहर से मंगाते थे। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि इस सभ्यता के लोग शौकीन थे, बहुत ही बेहतरीन थे। इस सभ्यता के जो लोग थे वो खाने पीने के शौकीन थे, शाकाहारी भी थे, मांसाहारी भी थे, कपड़े भी दोनों तरह के पहनते थे, सूती कपड़े भी थे जो सीधे सादे भी थे और कढ़ाईदार भी थे। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था तीन पतिया शॉल का एक जिक्र हुआ है, एक योगी पहन के बैठे हुए हैं, जिससे ये अंदाजा लगता है कि ऐसे नहीं है कि बहुत सीधे सादे ही कपड़े बनते थे। सीधे सादे कपड़ों के साथ साथ कढ़ाईदार सूती कपड़ों के भी साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो अब यहां हम बात करें कि ये लोग जो गहने पहनते थे, ये सारी चीजें इंडिया में नहीं थी, ना ही ये सारी चीजें पाकिस्तान में थी। बहुत सारी चीजों को विदेशों से, बाहर से उस टाइम आयात किया जाता था, और व्यापार दो तरह का था। कौन कौन सा? एक इंटरनल आंतरिक व्यापार, जिसके लिए ज्यादातर बैलगाड़ी का यूज करते थे, और एक था विदेशी व्यापार, जिसके लिए ये लोग पानी का, जल मार्गों का यूज करते थे। मैंने देखिए कुछ खास चार चीजें लिखी हैं, इनमें सबसे ऊपर लिखा है सोना। मैंने जिक्र किया था कि सोने चांदी के आभूषण, हाथी दांत के आभूषण उस टाइम के अमीर लोग, जो शायद पुरोहित वर्ग रहा होगा, वो लोग पहना करते थे। तो सोना ये लोग कहाँ से लाते थे? हड़प्पा वाले, मोहनजोदड़ो वाले, कर्नाटक से सोना लाया जाता था। इसके अलावा अफगानिस्तान से भी सोना लाया जाता था। सोना, चांदी देखिए, ईरान और अफगानिस्तान, चांदी अपने यहां कम थी, और चांदी के साक्ष्य अगर पूछेंगे तो हड़प्पा काल में टिक करके आना। ये कहां से मंगवाई जाती थी? ईरान और अफगानिस्तान, क्योंकि अफगानिस्तान में भी दो साइट्स थी। अगर अपने लास्ट वीडियो देखी होगी, 925 साइट थी इंडिया में, 475 साइट्स हैं पाकिस्तान में, और दो स्थल की खोज हुई है जो अफगानिस्तान में थे। तो अफगानिस्तान और ईरान से चांदी आती थी, सोना अपने कर्नाटक और अफगानिस्तान से। ईरान मत टिक करना, चांदी में टिक करके आना अफगानिस्तान और ईरान। तांबा आप देख रहे हैं, तांबा खेतड़ी राजस्थान से मंगवाया जाता था, और ये बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का हिस्सा है आज भी, यहां से तांबा मंगाया जाता था। एक बात ध्यान से सुनना, तांबा वो पहली चीज है, वो पहली धातु है जिसका यूज इंसान ने किया था, तांबा। और इसलिए प्राचीन सभ्यताओं में ताम्र पाषाण कालीन सभ्यताओं का आपने कभी छठी सातवीं में नाम सुना होगा। एक बार यहां देखिएगा, मैंने कुछ लिखा है टी प्लस टी इज इक्वल टू के। बहुत काम की चीज है ये, याद करने का तरीका है। जो हड़प्पा का कल्चर था ना, हड़प्पा के लोग थे, ये बहुत एडवांस थे, पूरे के पूरे शहरी, हर चीज में आगे। इन लोगों ने तांबा, जो ऑलरेडी इंसान जिसके बारे में जानता था, उसके साथ इन्होंने टिन को मिक्स किया और एक नई चीज बना ली, जिसे कहते हैं कांसा। वैसे इंग्लिश में इसको ब्रॉन्ज कहते हैं, कॉपर कहते हैं, टिन कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में याद करने में दिक्कत होती है। हिंदी ऐसे याद कर लो, टी प्लस टी इज इक्वल टू के, टी टी के। टी मतलब तांबा, टी मतलब टिन, और के मतलब है कांसा। तो ये कांस्य युगीन सभ्यता है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं ना, इतनी सारी साइट्स जो हमने पढ़ी हैं, ये कांसे का यूज करते थे। ब्रॉन्ज इन्होंने नई चीज बना ली थी। ये तांबा भी विदेशों से लाते, यहां देखिएगा, तांबा ये लाते थे बलूचिस्तान, पाकिस्तान का हिस्सा, एक अपना राजस्थान के खेतड़ी से। टिन ये लाते थे मध्य एशिया और अफगानिस्तान से, और उन दोनों को पिघला के ये एक नई चीज बना लेते थे, जिसको नाम दिया गया था कांसा, ब्रॉन्ज। तो ये ब्रॉन्ज एज है, ये कांस्य युगीन सभ्यता है। टी प्लस टी इज इक्वल टू के, ध्यान रखना, एग्जाम में आ सकता है। पुराने लोगों को तांबे की जानकारी थी, कांसा नहीं पता था। ये पहली सभ्यता है जिसने टिन और तांबे को मिलाकर नई चीज इजाद कर ली, नई चीज बना ली जो ज्यादा बेहतर थी टिन
और तांबे के मुकाबले, इसका नाम है कांसा। तो ये सारी चीजें कहाँ कहाँ से आती थी, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। मैंने अभी पीछे एचटेट के एग्जाम में देखा था, चांदी के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था। ये चारों इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ के जाइएगा। चांदी कहाँ से आती है देख लीजिए, ईरान और अफगानिस्तान विदेशों से चांदी का आयात करते थे। सोना अपने यहाँ कर्नाटक में भी था और अफगानिस्तान से भी लाते थे। अपने यहाँ पर तांबा था खेतड़ी में और पाकिस्तान के बलूचिस्तान से आयात करते थे। टिन दोनों चीजें बाहर से आती थी, दोनों इससे मध्य एशिया और अफगानिस्तान से। इसके बाद देखिए लास्ट पॉइंट में मैंने कुछ ये ड्रॉ किया है। ये ड्रॉ जो किया है इसको सुन लेंगे तो बहुत आसान है, वैसे समझ में नहीं आएगा। ये बहुत बड़ी बातें हैं, इंपॉर्टेंट बातें हैं, ध्यान से देख के सुन लीजिए, किताबों से जब पढ़ेंगे तो ये क्लियर होगा। मैंने लिखा है कालीबंगा। कालीबंगा देखिए यहाँ भी जिक्र था, काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां थी ये। कालीबंगा की खासियत है, मैंने जो देखिए दो ये बना दिए हैं और इन दोनों के बाहर बाउंड्री बना दी है। अगर एक मोटी बात करें तो जितने भी साइट्स मिले हैं 1400-1500, इन सब में लगभग में शहर दो हिस्सों में डिवाइडेड था। एक का नाम था पश्चिमी टीला, एक का नाम था पूर्वी टीला। पश्चिमी टीला एरिया में छोटा था, ऊंचा था। पूर्वी टीला एरिया में बड़ा था, कंपैरेटिवली नीचा था, क्योंकि वहां आम लोग रहते थे और ज्यादा सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा सेफ था जो ऊंचा टीला था, क्योंकि उसकी बाउंड्री करते थे चार दीवारी। यहाँ देखिए मैंने ये दो हिस्से बनाए हैं अंदर, जो आप अंदर देख रहे हैं ना ये, इसको मान लीजिए ये है पश्चिमी टीला और ये है पूर्वी टीला। पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला दोनों की बाउंड्री है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, कालीबंगा में। हर जगह नहीं है ये, हर जगह सिर्फ पश्चिमी टीले की थी, लेकिन कालीबंगा में दोनों साइड्स, दोनों मतलब है पश्चिमी और पूर्वी टीला, दोनों साइड्स को फोर्टिफाइड किया गया, दोनों की चार दीवारी कर दी गई थी। अब ध्यान से सुनना, कालीबंगा में शायद ईंटों की भरपूर मात्रा थी, इसीलिए कालीबंगा एक ऐसी साइट है जहां पर हर घर का आंगन पक्की हुई ईंट से बना मिला है। दोबारा सुन लीजिए, मैंने लास्ट वीडियो में आपको घरों का स्ट्रक्चर समझाया था और कहा था कि उसको ध्यान से सुन के समझिएगा, रटिएगा मत, रटेंगे भूलेंगे समझेंगे दिक्कत नहीं आएगी। एक पूरा घर है, घर की एंट्री पर एक दीवार होती थी 5 से 6 फुट की, उस एंट्री के ठीक पीछे हर घर में आंगन था थोड़ा सा नीचा। ये जो यहाँ था ना कालीबंगा में, लगभग साइड्स पर आंगन बना था कच्ची ईंट का, लेकिन कालीबंगा में शायद ईंटों की भरपूर मात्रा थी, इसीलिए कालीबंगा में सारे घरों में आंगन मिले हैं वो पक्की ईंट के हैं, पहली बात। दूसरी बात, ईंटों की अधिकता यहां से भी याद कर लीजिए कि इसके दो हिस्से पश्चिमी और पूर्वी घाट दोनों की चार दीवारी की गई है। तो ईंट को अगर आप रिलेट कर पाए तो दोनों साइड्स की चार दीवारी है और यहाँ घरों के आंगन में पक्की ईंटों का यूज हुआ है। ये क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में कि किस निम्नलिखित में से किस स्थल पर पश्चिमी पूर्वी दोनों स्थलों की चार दीवारी पाई गई है, जहां ईंटें ज्यादा है तो हर घर का आंगन भी पक्की ईंट से बनाया गया है। नेक्स्ट देखिए, मैंने लिखा है लोथल प्लस सुरकोटड़ा। यहाँ आते हैं लोथल, अभी हमने पढ़ा था चावल, लोथल चावल। गली में दरवाजे नहीं खुलते, मुख्य सड़क पर दरवाजे खुलते हैं, यहाँ बंदरगाह भी मिला है। सुरकोटड़ा का नाम इसमें नहीं था, लेकिन थोड़ा सा जान लीजिए, सुरकोटड़ा वो साइट है जहां पर घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं, ध्यान दीजिएगा, सुरकोटड़ा वो साइट है, वो स्थल है जहां पर खुदाई में घोड़े के अस्थि पंजर के प्रमाण मिले हैं। ये दो जगह है, यहाँ चावल मिला था, यहाँ घोड़े के अस्थि कंकाल। इन दोनों को ध्यान से देखिए पिक्चर में, पिक्चर से सब क्लियर होगा। इसमें दोनों एरिया मैंने बना दिए, एक पश्चिमी घाट है एक पूर्वी घाट है, और देखो दोनों की बाउंड्री एक है। ऊपर वाले में ध्यान से देखो बाउंड्री दो है, लेकिन यहाँ पर दोनों की बाउंड्री एक है। यही खासियत है, यही क्वेश्चन आएगा कि किन दो स्थलों की खुदाई में पश्चिमी और पूर्वी टीले दोनों एक ही सुरक्षा प्राचीर से घिरे थे। दो जगह पश्चिमी पूर्वी को एक सिंगल दीवार बनाकर फोर्टिफाइड कर दिया, सेफ कर दिया। ये दो जगह हैं लोथल, जहां चावल के प्रमाण मिले हैं, जहां घरों के दरवाजे मुख्य सड़क पर खुलते थे, और सुरकोटड़ा जहां घोड़े के प्रमाण, घोड़े के होने के उसके अस्थि पंजर के प्रमाण मिले हैं। इन दोनों की पिक्चर ऐसे दिमाग में फिट कर लो कि दोनों की चार दीवारी सिंगल है,
एक एक साइड के दोनों एक से बने हुए हैं और दूसरी साइड के अलग से। नेक्स्ट मैंने लिखा है चहुंदड़ो, अभी अभी जिक्र किया था, देखिए यहाँ पर और काजल के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर मनके बनाने की फैक्ट्री कार्यशाला वर्कशॉप थी। चहुंदड़ो एक ऐसी साइट है जिसका ना तो पड़ी के जबकि यहां कोई मिले हैं। यहाँ तीनों में से सिर्फ सिर्फ इन्हीं की चार दीवारी है, मध्यमा का कोई सेफ्टी का यहाँ पे का यहां किसी भी कोट धौला वीरा निकल, अगर साउंड आई है तो आप लोग इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिल बता दिया।